वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर विद अंकिता। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तंदूरी नान, जो कि हम घर में बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। टेक्सचर में ये बिल्कुल ढाबा या होटल स्टाइल का होगा, लेकिन टेस्ट में ये घर वाले तंदूर नान जैसे होगा। क्योंकि होटल में जब नान हमारे ठंडे हो जाते हैं तब वो कड़े हो जाते हैं और खाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो हम घर में बनाने वाले हैं वो ठंडे होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। तो हमारा ये सुपर सॉफ्ट नान कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आज शेयर करूँगी। इसी के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अचारी भिंडी। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार होता है और नान के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अचारी भिंडी बहुत ही स्पाइसी तरीके से और टेस्टी तरीके से हम बनाएंगे आज। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम नान का जो आटा होता है उसे सान लेंगे, एक डो बना लेंगे बहुत अच्छा सा। उसके लिए यहाँ पे मैं मैदे का यूज़ कर रही हूँ। तो 2 कप मैदा ले ली हूँ, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 या 2 पिंच बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें, बेकिंग पाउडर का 1/2 बेकिंग सोडा हमें लेना है, वो ऐड कर देंगे। उसी के साथ 2 छोटा चम्मच में चीनी ऐड कर रही हूँ और 1 छोटा चम्मच नमक। ये रेशियो बिल्कुल बराबर तरीके से आपको लेना है। इसी के साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसके जगह पे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे मैं फिटा हुआ ताज़ा दही ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच। ये सारी चीज़ों को हमें सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना है। करीबन 3-4 मिनट के लिए हमें इस तरीके से इसे क्रम्बल करना है कि सारी जो ड्राई चीज़ें हैं हमारे मैदे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे। फिटा हुआ ये पानी वाला दही है। यहाँ पे आप दही का पानी या पनीर का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप नॉर्मल पानी से भी ये आटे को सान सकते हैं। तो ये आटा करीबन हमें 5 से 6 मिनट लगातार अच्छे तरीके से सानना पड़ेगा और फिर इसे एक जगह करके हम इस तरीके से एक डो बना के रख देंगे। जितने अच्छे तरीके से आप आटे को सानेंगे हमारा नान उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो थोड़ा सा तेल इस तरीके से लगा देंगे, देख सकते हैं इस तरीके से तेल लगाने से सॉफ्ट हमारा आटा बन के तैयार होता है। तो हमें एक सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है। नॉर्मली आटे का जो डो होता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। तो तेल लगा के हम रेस्ट में 1/2 घंटे के लिए रख दे रहे हैं। तब तक हम बना ले रहे हैं अचारी भिंडी। अचारी भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले ली हूँ 2 बड़ा चम्मच और भिंडी को थोड़े बड़े साइज़ में कट कर लेंगे और इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में कि जो ऑयल है वो भिंडी के चारों तरफ अच्छे तरीके से लग जाए। भिंडी को करीब 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच या 1 कप नींबू का रस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अचारी भिंडी थोड़ा सा खट्टा और तीखा होता है तो नींबू का रस यहाँ पे बहुत फ़ायदा करता है। और भिंडी में अगर आप नींबू का रस डालते हैं तो इसमें से जो मॉइस्चर निकलता है वो ड्राई हो जाता है ईजीली। तो हमें भिंडी को गोल्डन फ्राई होने तक भून लेना है अच्छे तरीके से, गोल्डन कलर आने तक। तो आप ये देख सकते हैं हमारा भिंडी अच्छे तरीके से भुन चुका है और करीब इसे 80% तक आपको इसी स्टेज में पका लेना है। तो सारे भिंडी हमने भून लिए हैं और इसे हम निकाल देते हैं। उसी कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल फिर से ले लिए हैं और इसमें कुछ हम खड़े मसाले डाल रहे हैं। 1 छोटा चम्मच मैं ले ली हूँ जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया खड़ा वाला और 1/2 छोटा चम्मच सौंफ। ये तीनों चीज़ हम इसमें डायरेक्टली तेल में डाल देंगे। तेल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, फ्लेम को लो रखना है नहीं तो ये सारे मसाले जल जाएंगे। तो लो फ्लेम में थोड़ी देर ये जब अच्छे तरीके से चटक जाए तब इसमें मैं सूखा लाल मिर्च डाल रही हूँ करीब 3-4 मिर्च। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को थोड़ी देर भुनने के बाद यहाँ पर करीब 25 से 26 लहसुन जिसे बारीक कट कर ली हूँ और 2 इंच अदरक जिसे इस तरीके से लंबे स्लाइस में मैं कट कर ली हूँ। तो इसे भी अब अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। लो फ्लेम में हमें सारी चीज़ों को भुनना है जब तक कि एक बहुत अच्छी सी स्मेल ना आने लगे और हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो लहसुन और अदरक का एक अच्छा सा कलर चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज।
यहाँ पे दो बड़े साइज के प्याज मैं इस तरह के लंबे स्लाइस में कट कर ली हूँ, बारीक कट नहीं करना है, इस तरीके के लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे और इसमें ऐड करके इसे भी लो फ्लेम में हम लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे प्याज थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पे मैं दो बड़े साइज़ का प्याज यूज़ की हूँ, आप चाहें तो थोड़ा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये प्याज को फ्राई करेंगे हम हल्का सा, जब गोल्डन पिंकिश कलर का हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो जब प्याज फ्राई हो जाए तब इसमें ऐड करना है कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं दो छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी स्वाद के अनुसार, या एक छोटा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ नमक, आधा छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसे भी 2 मिनट के लिए हमें लगातार लो फ्लेम में भून लेना है। ये देखिए अच्छे तरीके से भून जाने के बाद इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं दही, ये ताज़ा फिटा हुआ दही है, तो करीब 2 से 3 चम्मच दही ऐड करेंगे। ये सब्जी में दही बहुत ही अच्छा लगता है और सब्जी का जो टेक्सचर है उसे भी बढ़ा देता है। तो 2-3 चम्मच दही ऐड करके हम इसे लो फ्लेम में अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। बस एक बार जब ये मिल जाए तब इसमें ऐड करना है टोमेटो प्यूरी, मतलब 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मिक्सी के जार में मैं अच्छे तरीके से पीस लिए बिना पानी डाले। तो सारे टोमेटो प्यूरी इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। नमक पहले ही डाल दिए हैं तो टमाटर का जो प्यूरे है वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो इसे ढक के 2 से 3 मिनट लो फ्लेम में रख देंगे, जब तक कि टोमेटो प्यूरी अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है और टमाटर का जो प्यूरे था वो भी ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज में यहाँ पे फ्राई किए हुए भिंडी ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से सारे मसालों के साथ भिंडी को हम भून लेंगे। ये सारी सब्जियाँ जो है लो टू मीडियम फ्लेम में ही हमें बनाने हैं, क्योंकि इसमें पानी अभी ऐड नहीं किए हैं। तो हर चीज़ें अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद यहाँ पे मैं करीब आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ, और आधा कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे और ढक के हमें पकाना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ टमाटर के स्लाइस ऐड की हूँ, जिससे बीज में जो टमाटर का जो बीज होता है वो मैं निकाल दी हूँ, सिर्फ ऊपर का हार्ड वाला पार्ट है वो एक टमाटर स्लाइस करके ऐड की हूँ, और कुछ धनिया की पत्ती। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे और ढक्कन लगा के हमें 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से पका लेना है, या भिंडी जब अच्छे तरीके से पक जाए तब तक आप इसे पका लीजिए। आप चाहें तो इसमें पानी कम या ज़्यादा और भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी ये सब्जी बनके रेडी हो गई है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चला लिए हैं, अब इसे फटाफट से सर्व करते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो आप लास्ट में इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी अचारी भिंडी कैसे बनी ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा नान है उसका डो, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा बन गया है और हल्का सा ऊपर बबल्स ऐसा आ गया है। तो ये हमारा परफेक्ट डो बन के तैयार हो गया। तो इसे 5 मिनट के लिए हम इस तरीके से और एक बार मल लेंगे, और जितना बड़ा आपको नान बनाना है उतने बॉल हम इसका बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे करीब मेरे 7 बॉल बनके तैयार हुए हैं, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का ही नान बना रही हूँ और मैं पतला नान बनाऊँगी, मोटा होटल या ढाबे जैसा मुझे नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा सूखा आटा इसमें डालेंगे और इसे अपने शेप साइज़ में आप इसे बेल सकते हैं। तो मैं इसे बहुत ही पतला बेल रही हूँ, जितना पतला मैं रोटी बनाती हूँ उतना ही पतला बनाएंगे। इससे क्या होता है, ये नान हमारे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आसानी से अच्छे तरीके से चारों तरफ पक जाते हैं। तो जब हम घर में बनाते हैं तो थोड़ा हेल्दी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेकोरेशन के लिए मैं धनिया पत्ती इस तरीके से लगा दे रही हूँ, जिससे कि अच्छा सा ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हमारा नान दिखे। इस तरीके से धनिया की पत्ती मैं प्लेस कर दे रही हूँ और ऊपर से जो काली कलौंजी होती है उसे भी मैं अच्छे से छिड़क दे रही हूँ। उसके ऊपर से थोड़ा सा जो ड्राई फ्लोर है, मतलब आटा, सूखा आटा अच्छे से छिड़कने के बाद आप हल्का सा बेलन चला दीजिए कि सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाए।
तो ये पलट के एक बार और हम बेलन चला देंगे। आप देख सकते हैं मैं कितना पतला नान बनाई हूँ। आप एक बार इस तरीके से नान बना के देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी नान बन के तैयार होगा। तो ये बेलन चला देने के बाद यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा पानी लगाना है, तो ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा पानी लगाएंगे चारों तरफ। अच्छे तरीके से लगा लीजिए कि पानी जो है चारों तरफ अच्छे तरीके से लग जाए। तो पानी चारों तरफ लगा देने के बाद इसे इस तरीके से हाथ में ले लेना है। ये पानी वाला पोर्शन है वो ऊपर रखना है और लोहे के तवे में हमें इस तरीके से डालना है। तो जो पानी वाला पोर्शन है उसे हमें तवे की तरफ रखना है। तो आप ये देख सकते हैं, और फ्लेम हमारा मीडियम रहना चाहिए, मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें इसे पकाना है। तो जब इस तरीके से बबल सा आने लगेगा, आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से ये फूल रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट नान का डो बन के तैयार हुआ है और हमारा फ्लेम भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए फ्लेम जो है मेरा मीडियम फ्लेम है। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। अब इसे हम पलट देंगे। जब एक बार इस तरीके से फूल जाएगा तो फ्लेम को हाई कर दीजिए और 45 डिग्री में हमें नान को अच्छे तरीके से सेक लेना है, और इस तरीके से घुमा घुमा के चारों तरफ हमें इसे सेकना है कि एक तंदूरी सा जो फ्लेवर होता है वो आना चाहिए। तो अच्छे तरीके से तवे को इस तरीके से घुमा घुमा के हम सेक लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना है इसे। तो ये हमारा नान जो है अच्छे तरीके से सिक चुका है, और देखिए बहुत ही अच्छा एक कलर आ गया है इसमें। तो ये हमारा नान बनके रेडी हो गया है, और बहुत आसान तरीके से ये तवे से निकल भी जाता है। तब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या बटर आप लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो ये हमारा बटर तंदूरी नान बनके तैयार है। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये देखिए। ये दूसरा नान मैं बना ली हूँ, इस पर भी मैं बटर लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट सा नान आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसे अब हम सर्व करेंगे अचारी भिंडी से जो मैं बनाई हूँ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू मेरी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए।